बिहार सरकार का एक ऐसा सरकारी नौकरी जिसमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा सरकारी नौकरी जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के सवाल नहीं आते हैं, बेसिक कंप्यूटर के सवालों का जवाब देकर आप पाए डाटा एंट्री ऑपरेटर का सरकारी नौकरी, वो नौकरी जिसमें है केवल कंप्यूटर का सीबीटी एग्जाम और एक टाइपिंग टेस्ट। तो आखिर कैसे होंगे आप इसके लिए तैयार, ये जानने के लिए कीजिए वीडियो के आखिरी तक इसका इंतजार। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इंस्टीट्यूट गेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार सरकार के बेलेट्रॉन द्वारा निकाली गई कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती, जो एक लंबे समय के बाद आई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेलेट्रॉन है क्या। ये बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ये बिहार सरकार की एक सरकारी कंपनी है। इसका काम ये है कि बिहार के विभिन्न सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की भर्ती करना। और ये बेलेट्रॉन बिहार में आईटी रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड बहुत सारे व्यवसायों में लगा हुआ है। बेलेट्रॉन द्वारा मुख्य रूप से दो पदों पर भर्ती निकाली जाती है। पहला होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर और दूसरा होता है प्रोग्रामर। अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर के क्वालिफिकेशन का, तो 12वीं के बाद 10+2 के साथ आपका एक वर्षीय कंप्यूटर का कोई कोर्स होना चाहिए। आईटी वाले बच्चों के लिए हम बात करें तो कोपा आपका यहाँ पे एलिजिबल है। ये भी एक साल का कोर्स होता है जो कंप्यूटर के संबंधित होता है। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। वहीं प्रोग्रामर के लिए हम बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन MCA मांगता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आवेदन करने की जो उम्र सीमा होती है 18 वर्ष से लेकर 59 साल तक होता है। इसका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है काफी सरल है, इजी है। इसमें आपको CBT एग्जाम देना होगा। CBT एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो कंप्यूटर से संबंधित होंगे, और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट देकर इसका मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जाता है। और इसके तैयारी के लिए, कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर के तैयारी के लिए, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उस एप्लीकेशन के अंदर में आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स दिखाया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको और भी किसी कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट। और यही नहीं, आपको हर समय हमारे फैकल्टी के द्वारा गाइड किया जाएगा। मान लीजिए आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करना है, आपको हिंदी टाइपिंग चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग चाहिए, या कोई ऐसा सवाल है जिसपे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट हमारे फैकल्टी से बात भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी का। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सैलरी कम होगा, तो ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी 25,000 होता है और ये समय अनुसार आगे जाके बढ़ते जाता है। और इसका जो जॉब पीरियड है तो लगभग 60 सालों तक यहाँ पे आप नौकरी कर सकते हैं, आपको हटाया नहीं जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस, आपका काम करने का तरीका सही रहा, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, आराम से एक बढ़िया लाइफ आप जी सकते हैं। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करने के लिए नौकरी वाला यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसका फॉर्म को अप्लाई करने का वीडियो देख सकते हैं, जहां पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के आपको बताया जाएगा, जिससे आपको फॉर्म भरने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। तो अगर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का नौकरी चाहिए तो जल्दी से प्ले स्टोर से इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्स को ज्वाइन करके आज से ही तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।